देखिए हमने तो कहा है, आज कल भी कहा है, संभवतः आगे भी मौका मिलेगा तो इस बात को रखूंगा। जिस तरीके से गरीबों का, जिस तरीके से मध्य वर्गों का, जिस तरीके से व्यापारियों का हालात हुआ है, आज के दिन में मंदी क्यों आ गया? बैंक में जमा पैसे गए कहां? नोटबंदी के कारण, नोटबंदी से जो 11 लाख 15 लाख करोड़ रुपए जमा हुए थे वो पैसे गए कहां? आज कौन सी ऐसी आपदा आन पड़ी जहां 1,70,000 करोड़ से भी अधिक रुपया बैंकों को देना पड़ा रिजर्व बैंक के द्वारा, और रिजर्व खाते के पैसे पर हाथ लगाना प्रारंभ कर दी सरकार? आज क्या आन पड़ा कि बैंकों को मर्जर किया जा रहा है? क्यों, क्या हो गया, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। सर, हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, हम लोग थोड़ा कम जानते हैं। सर, राजमहल प्रकरण पर पार्टी की ओर से शिष्टमंडल वहां जा रही है, अभिलंब कौन कौन शामिल है? अभिलंब हम लोगों ने कहा है, हमारी एक प्रतिनिधि मंडल बनाई, वहां पर एक कमेटी बनाई गई है जिसमें विधायक स्टीफन मरांडी जी हैं, विधायक नलिन सोरेन जी भी हैं, हमारे उस जिले के पदाधिकारी हैं, पांच लोगों की, छह लोगों की कमेटी बनी है, वो लोग कल से परसों तक में उसकी रिपोर्ट पार्टी को उपलब्ध कराएंगे, और सरकार से उसमें भी हम चाहते हैं कि उससे पहले ही कार्रवाई हो, ज़्यादा बेहतर हो। और हमने अपने लोगों से उस रिपोर्ट की मांग की। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पार्टी की ओर से आंदोलन का क्या रूप रहेगा? अब सरकार की कार्रवाई का इंतजार करते हैं, अगर हम, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरजोर विरोध करेगा। बाबूलाल जी के साथ अलायंस क्लियर हो गया है, आप 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं, उन्हीं के समय आरक्षण घटा था। अब कौन घटाया कौन बढ़ाया, लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि हमारे राज्य के पिछड़ी जातियों का इस सरकार ने सर्वनाश कर दिया, 11-13 जिले बांट करके राज्य के पिछड़े जातियों को रोजगार से वंचित किया। इसीलिए हमने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, पिछड़े वर्गों को हम लोग 27% का आरक्षण देंगे। कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए अभी मैं बदलाव यात्रा पर हूं, और इस बदलाव यात्रा में मैं पूरी तरीके से संगठनिक क्षमता ताकत बल पर कर रहा हूं, और ये बदलाव यात्रा 19 अक्टूबर मोराबादी नहीं हरमू मैदान में संपन्न होगा, जहां ये बदलाव रैली महाबदलाव रैली के रूप में प्रवर्तित होगा, और उसके समाप्ति के बाद ही हम अलायंस के विषय पर आपको हम कोई भी चीजें बताने में सक्षम होंगे। क्या कारण कि महागठबंधन में आपके नाम को प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है और सहमति नहीं बन पा रही है? कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर ही जो है ये किसकी छोड़ रही है। ऐसे कोई बात नहीं है, अब बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारी जुबाने हैं, सब लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं। जब हम अभी तक जो हुआ चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले जो हमारी बातचीत थी, उसके बाद जो थोड़ी बहुत बातचीत हुई है,